चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बोहर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस हैज़ डेफिनेट वैल्यू, विच आर होल नंबर मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई। आप भी जानते हो बोहर ने क्या बोला था, किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है जब वो न्यूक्लियस के अगल बगल मूव करता है तो वो क्या एच अपॉन टू पाई का एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल कैसे, जो आपके यन की बात कर रहे हो, यन हमेशा होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। द लाइमन सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आर प्रोड्यूस व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम सेकेंड थर्ड और हायर एनर्जी लेवल टू द फर्स्ट एनर्जी लेवल। लाइमन सीरीज क्या होता है, हमारे पास जो अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, सेकेंड से आए, थर्ड से आए, फोर्थ से आए, फिफ्थ से आए, कहीं से भी आए, अगर वो फर्स्ट सेल पे आके गिर रहा है, पहले सेल पे आके गिर रहा है, तो ऐसे सीरीज को हम क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या बाल्मर सीरीज में, देखो बाल्मर सीरीज में आपको सिंपल बता देते हैं, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, थर्ड से आए, फोर्थ से आए, फिफ्थ से आए, सिक्स से आए, अगर वो गिर रहा है सेकेंड लाइन पे, अगर वो सेकेंड लाइन पे गिर रहा है तो वो सीरीज क्या बाल्मर सीरीज कहलाती है, ठीक है। द बाल्मर सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आर प्रोड्यूस व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड, फोर्थ और हायर एनर्जी लेवल टू द सेकेंड एनर्जी लेवल, ठीक है। अब ऐसा सवाल सोच सकते हो कि बाल्मर सीरीज के अंदर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकेंड पे जाए, उसको भी हम बाल्मर सीरीज के अंदर काउंट कर सकते हैं, नहीं तो ये देखो बात हो रहा है डी एक्साइटेशन का, एक्साइटेशन का बात नहीं हो रहा है। जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में गिरेगा तो उस टाइम पे जो रेडिएशन रिलीज होगा वो लाइमन सीरीज के अंदर आता है कि बाल्मर, उसकी बात चल रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पहले से दूसरे पे जाएगा या दूसरे से तीसरे पे जाएगा, इससे इसकी बात नहीं चल रही, सिर्फ बात चल रही है रिवर्स प्रोसेस की, कि जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर गिरता है तो कहाँ पर गिरता है, पहले पर अगर गिरता है कहीं से भी तो लाइमन, कहीं से भी गिरता है सेकंड पे तो बाल्मर, कहीं से भी गिरता है थर्ड पे तो पैस्चन, ठीक है। कहीं से भी गिरता है थर्ड पे तो पैस्चन सीरीज, द पैस्चन सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आर प्रोड्यूस व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फोर्थ, फिफ्थ और हाई एनर्जी लेवल टू थर्ड एनर्जी लेवल, ठीक है। बोहर ट्रीटेड द इलेक्ट्रॉन ओनली एज पार्टिकल, बोहर ने जब अपने ये मॉडल दिया था ना तो उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को सिर्फ पार्टिकल की तरह ट्रीट किया था, उसको वेव की तरह नहीं माना था, ठीक है, ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रीटेड एज वेव पार्टिकल बोथ, वो वेव की तरह भी ट्रीट किया जा सकता है, पार्टिकल की तरह भी। द फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुड बी एक्सप्लेन ओनली इफ द लाइट इज कंसिडर्ड टू हैव पार्टिकल कैरेक्टर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी क्या बोलते हैं सक्सेसफुल हो पाएगा जब आप क्या करेंगे, जब आप क्या करोगे, लाइट को पार्टिकल बिहेवियर मान के आगे बढ़ोगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली रिलेशन क्या होता है, लेमडा मतलब वेवलेंथ किसके बराबर होता है, एच अपान पी के, या एच अपान यम भी लिख सकते हो, ठीक है। एच क्या है, प्लैंक कॉन्स्टेंट, पी क्या है, मोमेंटम है, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी हो सकता है, तो वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हैसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा एक्स डेल्टा पी किसके बराबर होता है, एच अपान फोर पाई के बराबर होता है। डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन या ऐसा बोलते हो प्रोबेबिलिटी, या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बोल दो, या अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बोल दो डेल्टा पी को, ठीक है। डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इक्वल टू एच अपान फोर पाई, ठीक है। इन शोडिंजर वेव इक्वेशन राइज स्क्वायर रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इंटेंसिटी, ठीक है। फिर वक्त आगे बढ़ते हैं, इन शोडिंजर वेव इक्वेशन टू ऑब्टेन मीनिंगफुल रिजल्ट द वैल्यू ऑफ वाई एट इन्फिनिटी विल बी जीरो। जब भी आपको शोडिंजर इक्वेशन के अंदर वाई का कोई एक मीनिंगफुल रिजल्ट चाहिए तो वाई का वैल्यू इन्फिनिटी पे जीरो होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है शोडिंजर वेव इक्वेशन की। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको आप यहाँ से डिनोट करते हैं उसका सबसे छोटा वैल्यू क्या हो सकता है, वन हो सकता है, यानी इक्वल टू वन से स्टार्ट होता है, ठीक है। व्हाट इज द हाईएस्ट सेल नंबर ऑक्यूपाइड बाई नॉन एलिमेंट, ठीक है। तो देखो हाईएस्ट सेल नंबर मतलब वो यन की बात बोल रहा है, तो यन स्टार्ट होता है वन से, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वो इन्फिनिटी तक जा सकता है, लेकिन नॉन एनिमल एलिमेंट्स की बात चल रही, मतलब जितने एलिमेंट अभी तक खोजे गए हैं उनके अंदर हाईएस्ट सेल नंबर कौन सा लिया गया है, ठीक है। तो देखो हमारे पीरियडिक टेबल में टोटल सात पीरियड है, मतलब जो सातवां पीरियड का एलिमेंट है वही सबसे बड़े सेल रखे होंगे, तो सातवां पीरियड है तो उसके अंदर सेल हाईएस्ट कौन सा होगा, सेवन नंबर का, तो यन क्या आ गया, सेवन आ गया। कि जितने भी नॉन एलिमेंट है उनमें से सब उन सब में हाईएस्ट सेल नंबर क्या लिया गया है, सेवन लिया गया है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिलेटेड टू यल, यल क्या आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है, बाय द एक्सप्रेशन यल इज इक्वल टू यल अंडर रूट, सॉरी यल इज इक्वल टू अंडर रूट यल यल प्लस वन
रूट खत्म एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। यल क्या है, एंगल, यल है हमारे पास एजीमुथल का क्वांटम नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। द स्मॉल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर इज 0, एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 हो सकता है, उसके लिए अलाउड है, ठीक है। द एनर्जी स्टेट ऑफ आटम इज इंक्रीज विद इंक्रीज इन यन, यन क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो पूछ रहा है कि द एनर्जी स्टेट ऑफ आटम, कोई भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, सॉरी किसी भी आटम का जो एनर्जी स्टेट है वो यन के इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज होता है, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है वो भी इंक्रीज होता है, उसका एनर्जी भी इंक्रीज होता है। तो ये बात सही है, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन से दूर जाते रहोगे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ता रहेगा। क्यों बढ़ता रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है पॉजिटिव, सॉरी इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन जब भी आप दूर भरोगे, मतलब न्यूक्लियस से दूर भरोगे, तो न्यूक्लियस क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को पकड़ के पास लाना चाहेगा, लेकिन आपको दूर भरना है तो आपको खींच के उसको दूर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस पावरफुल होता है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को पास खींचेगा, और आपको क्या करना है दूर करना है, तो एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए जितना दूर जाओगे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए उतना ज़्यादा एनर्जी लगती है, ठीक है। द नंबर ऑफ सब सेल इन अ सेल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एन, ये कैसे आया, यहाँ पे एग्जांपल देख लो, ठीक है। द नंबर ऑफ सब सेल इन अ सेल इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो नौ, जब हम एन का वैल्यू 2 लेते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन का वैल्यू 2 लेते हैं, तो एल का वैल्यू क्या आता है 0 1। एन और एल में क्या रिलेशन है, एल का वैल्यू हमेशा ही एन से छोटा होता है, एन से हमेशा ही छोटा होता है, वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर क्या, एन का वैल्यू 2 लेते हो तो एल क्या आता है 0 और 1 होता है, तो यहाँ पे 2 आ गया। एन का वैल्यू 3 लेते हो तो यल क्या होगा 0 1 2 होगा, तो नंबर ऑफ सब सेल इन अ सेल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एन के बराबर होगा, ठीक है। यल इक्वल टू 0 का मतलब यस सब सेल, यल इक्वल टू 1 का मतलब पी सब सेल, यल इक्वल टू 2 का मतलब डी सब सेल, ठीक है। और फिर क्या है, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ टाइप ऑफ ए टाइप इन अ गिवन सब सेल इज गिवन बाई 2l+1, यल क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। यह पूछ रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ अ टाइप, किसी एक प्रकार का ऑर्बिटल किसी भी एक गिवन सबसेल में कितने के बराबर होगा, 2l+1 के बराबर। यल का वैल्यू 0 ले लो तो क्या मिलेगा आपको 1s ऑर्बिटल, यल का वैल्यू 1 ले लो क्या मिलेगा 3p ऑर्बिटल। यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर रखो ना, यल का वैल्यू 0 लोगे तो यहाँ पे यल 0 सिर्फ 1 बचेगा, तो क्या मिला 1s ऑर्बिटल मिला। यल का वैल्यू 1 लोगे 2+1 3 हो गया, तो 3p ऑर्बिटल। यल इज इक्वल टू 1 का मतलब p, और लेकिन यहाँ पे कितना आया 3 आया तो 3p हो गया। यल का वैल्यू 2 लोगे तो 2 2 4+1 5 हो गया, तो 5d ऑर्बिटल, 2 मतलब d ऑर्बिटल, और क्योंकि यहाँ से 5 आया तो 5d ऑर्बिटल। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल ऑफ टाइप किसी भी एक टाइप का किसी भी गिवन सबसेल में कितने के बराबर होता है, 2l+1 के बराबर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सेल इज गिवन बाई एन स्क्वायर, किसी भी एक गिवन सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं कैसे पता चलेगा, एन स्क्वायर से। जैसे हम बात करते हैं एन इक्वल टू 2 के लिए, एन इक्वल टू 2 के लिए कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 2 का स्क्वायर 4। कैसे पता चला, ऐसे देख लो, एन इक्वल टू 2 का मतलब हमारे पास, एक सेकेंड चलो थोड़ा सा इस पर देख लो, एक सेकेंड चलो यहाँ पे देख लो, एन इक्वल टू 2 ना, तो हमारे पास मिलेगा क्या, 2s मिलेगा 2p मिलेगा, 2s के अंदर एक ऑर्बिटल, 2p के अंदर कितने, 3 ऑर्बिटल, 3 यहाँ पे एक यहाँ पे 4 ऑर्बिटल आ गया, ठीक है। ऐसे ही n इक्वल टू 1 लोगे, n इक्वल टू 1 के लिए क्या मिलेगा सिर्फ आपको 1s ऑर्बिटल, 1s क्या है सिंगल है, तो यह 1 का स्क्वायर मतलब 1 आ गया। n का वैल्यू 3 लोगे, 3 मतलब क्या, 3s 3p 3d, s क्या है अकेला एक ऑर्बिटल का, p क्या है 3p मतलब क्या 3 ऑर्बिटल का, 1 2 3 हो गया। डी क्या है 5 ऑर्बिटल में टूटा होता है, तो 5 हो गया, 1 2 3 4 5 4 और 5 हो गया, ठीक है। तो 5 यहाँ 3 यहाँ 8 एक 9, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। तो यन इक्वल टू 3 के लिए कितने ऑर्बिटल हैं, 9 ऑर्बिटल है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसी भी गिवन सेल में कितने होंगे, यन स्क्वायर के बराबर होंगे, ठीक है। देखो ये सब फॉर्मूले याद रखना, कई बार फॉर्मूले पूछ लेता है कि नंबर ऑफ सब सेल किसी भी एक गिवन सेल में कितने के बराबर होंगे, एन के बराबर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसी भी एक गिवन टाइप का इन सब सेल कितने के बराबर होगा, 2l+1 के बराबर। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए गिवन सेल इज गिवन बाय एन स्क्वायर के बराबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हेन स्पेक्ट्रल लाइंस इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम गेट स्प्लिट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द फिनोमिनन इज कॉल्ड ज़ीमन इफेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में जब क्या स्पेक्ट्रम लाइन क्या कर रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ज़ीमन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द स्पिन क्वांटम नंबर कैन हैव वैल्यू
-1/2 और -1/2 और +1/2, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर कभी भी ऐसा 0 1 ऐसा नहीं होता, वो हमेशा ही हम प्लस हाफ माइनस हाफ की तरह होता है। विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट परमिजेबल एंड वाई, ठीक है। तो देखो इन चारों में से कौन सा क्वांटम नंबर क्या बोलते हैं परमिजेबल, मतलब क्या ऐसा बोल दो कि कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है, ऐसा बोल दो। परमिजेबल मतलब कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो देखो n इक्वल टू 5 है, l इक्वल टू 4 है, l का वैल्यू n से छोटा है ये पॉसिबल है, m का वैल्यू 0 ये भी पॉसिबल है, स्पिन क्वांटम नंबर हाँ ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे देखो n इक्वल टू 3 है, l इक्वल टू 0 है, पॉसिबल है, लेकिन l इक्वल टू 0 के लिए m का वैल्यू -1 कहाँ से आ गया। l और m में क्या रिलेशन है, जो आपका ये आपका m है ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, लेस देन होता है माइनस l के और ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू होता है माइनस यल की और लेस देन इक्वल टू होता है प्लस यल की, यही होता है। तो यल का वैल्यू 0 लोगे, यल का वैल्यू 0 लोगे तो यम का वैल्यू भी तो 0 आना चाहिए ना। तो यहाँ पे ये -1 कैसे आ गया, मतलब ये वाला सेट पॉसिबल नहीं, मतलब यही वाला हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। यम और यल में क्या रिलेशन है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमेशा बड़ा होता है माइनस यल से, लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस यल, लेस देन इक्वल टू प्लस यल, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। द वैल्यू ऑफ रेडियल वेव फंक्शन डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ एन एंड एल, ठीक है। एन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल एज अजीमुथल क्वांटम नंबर, जो आपका रेडियल वेव फंक्शन है उसका वैल्यू एन और एल पे डिपेंड करते हैं। द वैल्यू ऑफ एंगुलर वेव फंक्शन डिपेंड अपॉन एल एंड एम, एंगुलर वेव फंक्शन अजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1917, ठीक है। देखो जब प्रोटॉन के बारे में हम बात करते हैं तो उसको ऑब्जर्व 1886 के अंदर कर लिया गया था, लेकिन 1970 के अंदर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हुआ है, इसलिए नेट पे भी आप चेक करोगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा 1970, ठीक है। कई बुक में ये दे रखा है वो ठीक है, क्योंकि 1886 के अंदर ऑब्जर्व किया गया था प्रोटॉन के बारे में, लेकिन कहीं वो यहाँ पर प्रूफ वहाँ पर नहीं हो पाया था, लेकिन यहाँ पर प्रूफ हो गया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1897 जे जे थॉमसन द्वारा, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1932, ठीक है। डी ब्रोगली इक्वेशन हैज़ ओनली सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, डी ब्रोगली इक्वेशन तभी तक सिग्निफिकेंट है जब हम माइक्रो मतलब छोटे पार्टिकल्स की बात करते हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन सब की बात करते हो, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए वो अप्लाई क्या बोलते हैं अप्लाइड ही नहीं है, ऐसा बोल दो सिंपल। द अनसर्टेनिटीज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ पोजिशन एंड वेलोसिटी वेरी इनवर्सली, ठीक है। आप भी जानते हो डी ब्रोगली, सॉरी नहीं डी ब्रोगली नहीं, हेसिनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स डेल्टा पी क्या है, एच अपन 4π है, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं डेल्टा एक्स यहाँ है डेल्टा पी की उधर भेज देते हैं तो वो नीचे आता है, तो हमारे पास पोजीशन और वेलोसिटी में क्या इनवर्सली रिलेशन है, ठीक है। वेलोसिटी है ना, तो यहाँ पे क्या करो पी दे रखा है ना, डेल्टा पी को एम इंटू डेल्टा पी लिख दो तो हो गया वेलोसिटी ना, उसको नीचे भेज दो तो इनवर्सली रिलेशन है, डेल्टा एक्स पोजीशन हो गया। और कैसे बनेगा रिलेशन वो भी देख लो, नहीं तो बोलोगे कन्फ्यूजन हो रहा है। देखो हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू इतना है एच अपान 4π है, तो डेल्टा एक्स इधर ही रखो एच अपान 4π और क्या करो डेल्टा पी है तो उसको क्या करो यम इंटू डेल्टा एक्स में तोड़ दो, यम मास हो गया, डेल्टा एक्स क्या हो गया वेलोसिटी हो गया। अब देख लो हमारा डेल्टा वी से नोट करो वेलोसिटी को, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एक्स यूज कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चेंज इन पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में इनवर्सली रिलेशन है, ठीक है। फिर क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल इज गिवन बाय 4L+2, ये कैसे आया थोड़ा सा एग्जांपल दे देते हैं। एल क्या है यहाँ पे अजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। क्या दे रखा है इसको देखो, एक सेकंड, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, किसी भी एक गिवन ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब क्या एल एम एन इस सब की बात चल रही है, ठीक है। इन एन सॉरी ऑर्बिटल की बात चल रही थी सॉरी ऑर्बिटल की बात चल रही थी, ऑर्बिट की नहीं, ऑर्बिटल मतलब SPDF की बात चल रही थी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल इज गिवन बाय 4L+2, ठीक है। अब इसको देखो, जैसे हम बात करते हैं यस ऑर्बिटल के लिए एल का वैल्यू क्या होता है 0, तो 4L+2 क्या आएगा 4×0+2 मतलब 2, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यस ऑर्बिटल में कितने होंगे 2 होंगे। पी के लिए एल का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, दिख रहा है ना, पी के लिए एल का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे 4L+2 एल का वैल्यू 1 रखोगे तो 4×1+2 6 आ गया, तो पी के ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। डी के लिए एल का वैल्यू 2 होता है, तो उसके अंदर 4×2+2 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जाएंगे। तो क्लियर हो गया कि किसी भी इवन ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4L+2 के बराबर होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन एन ऑर्बिट इज एज फॉलो, ठीक है। तो देखो आप भी जानते हो यस का एनर्जी हमेशा पी से कम, पी का हमेशा डी से कम, डी का हमेशा एफ से कम होता है, इसी ऑर्डर में एनर्जी बढ़ती है स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ, ठीक है।
रेडियस ऑफ आटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। रेडियस किसी भी आइटम का, एन मतलब इसमें क्वांटम नंबर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ वेव मैकेनिक्स दिस क्वांटम नंबर गिव एन आइडिया अबाउट द शेप ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल। कौन सा क्वांटम नंबर? यहाँ पे एजमूथल क्वांटम रहना चाहिए, ठीक है। इन टर्म ऑफ वेव मैकेनिक्स दिस क्वांटम नंबर, बीच में एक वर्ड कहीं पे छूट गया, ठीक है। अबाउट शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे लिख लो, ये लिख दो, ठीक है। एजमूथल लिख देते हैं, ठीक है। एजीमुथल की बात चल रही थी, एजीमुथल क्या सेम ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की बात चलता है। यस स्फेरिकल पी डम्बल डी डबल डम्बल ये ऑफ डिस्टॉर्टेड, ठीक है। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रेंज फ्रॉम माइनस एल टू प्लस एल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू आपको रिलेशन अभी यहीं पे बताया था हमने पिछले क्लास के अंदर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर माइनस एल से प्लस एल के बीच में वेरी करता है, ठीक है। फिर क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाई टू एन स्क्वायर। देखो अब यहाँ पे ऑर्बिट की बात चल रही है, ऑर्बिट मतलब क्या के एल एम एन इन सब की बात चलेगी। तो किसी भी गिवन ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? टू एन स्क्वायर के बराबर, ठीक है। किसी भी एक गिवन ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? टू एन स्क्वायर, एन इक्वल टू वन के लिए कौन सा ऑर्बिट के वन, एन इक्वल टू वन है तो सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा वन एस, वन एस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन। एन इक्वल टू टू के लिए एल ऑर्बिट कितने ऑर्बिटल होंगे? दो होंगे, टू एस और टू पी, ठीक है। अब टू एस के अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, टू पी के अंदर छः भरे जाएंगे, छः दो आठ हो गया। एन इक्वल टू थ्री के लिए थ्री एस थ्री पी थ्री डी, टी एस में दो इलेक्ट्रॉन, पी में छः इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, 18 हो गया, ठीक है। कितना आ गया? टू एन स्क्वायर। यहाँ से भी चेक कर सकते हो, एन के बाद थ्री रखोगे, एक सेकेंड, एन इक्वल टू थ्री रखोगे, थ्री का स्क्वायर 9 तो जाए 18 हो गया, ठीक है। मतलब बात सही है, आगे बढ़ते हैं। द सेट ऑफ थ्री दीज थ्री ऑर्बिटल्स डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड इज रिप्रेजेंटेड बाई टी टू जी ग्रुप ट्रिपली जनरेटेड ग्रुप। इन सबको ट्रिपली जनरेटेड ग्रुप की कैटेगरी में रखा जाता है। द सेट ऑफ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल इज जनरेटेड बाई ई जी इवेंटली जनरेटेड ग्रुप की कैटेगरी में इनको रखा जाता है, ठीक है। कौन किन को? इन दोनों को। अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन आइटम कैन हैव फोर क्वांटम नंबर सेम। ये बात सही है, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल का ये स्टेटमेंट है कि किसी भी आइटम के अंदर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ये बात सही है, ठीक है। तो एक सेकेंड टाइम दो, एक सेकेंड नहीं मिनट टाइम दो, देखते हैं कौन क्रॉस कर रहा है। आजकल ना ट्रेंड चला है, ये जो आइसक्रीम वाले आ रहे हैं ना डीजे के साथ आते हैं, देखो आपको हल्का हल्का सॉन्ग आ रहा होगा तो वही है। चलो कंटिन्यू करते हैं, एक सेकेंड रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 39 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी फिल्ड इन यन सेल, ठीक है। देखो यन इक्वल टू वन होता है के सेल के लिए, यन इक्वल टू टू होता है एल सेल के लिए, यन इक्वल टू थ्री होता है एम सेल के लिए, यन इक्वल टू फोर होगा यन सेल के लिए। तो यन सेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो पूछ रहा है, ठीक है। तो यन का वैल्यू चार है तो एल का वैल्यू जीरो वन टू थ्री होगा। एल का वैल्यू जीरो मतलब यस ऑर्बिटल, एल का वैल्यू वन मतलब पी, एल का वैल्यू टू मतलब डी, एल का वैल्यू थ्री मतलब एफ ऑर्बिटल। यस में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन, पी में छः, डी में 10, एफ में 14, कितना हो गया टोटल 32 हो गया। तो यन सेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 32, ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन थ्री थ्री ऑर्बिटल ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। अगर आप नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 करोगे, लेकिन आपको भी मालूम है क्रोमियम के किस में उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्सेप्शनल होता है। उसका 4s का एक इलेक्ट्रॉन जम करके 3d में चला जाता है, जिससे 3d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। मतलब क्रोमियम के 3d ऑर्बिटल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे पांच क्रिया क्या करने है? क्लिक करना, क्या बोलता है यार इसको, क्या बोलते हैं, टिक करना है, ठीक है। चलो इसी से कर देते हैं, ठीक है। चलो ये ठीक है, अब आगे क्या है। द आइटम हैज स्फेरिकल शेप व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन एन इक्वल टू वन।
यानी इक्वल टू वन रहेगा, मतलब ईयर्स की बात चल रही है, 1 ईयर्स की बात चल रही है, सिर्फ उसी के केस में स्फेरिकल शेप आपको मिलेंगे, यानी इक्वल टू 6 में भी मिलेंगे, लेकिन स्फेरिकल के अलावा और भी मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन क्या सिर्फ स्फेरिकल शेप के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो स्फेरिकल शेप सिर्फ वही मिलेगा आपको, किसी भी ऑर्बिटल का स्फेरिकल शेप वही मिलेगा जहाँ पे सिर्फ यस हो। यस कहाँ पे होगा, जहाँ पे यस है, सिर्फ एन का वैल्यू 1 हो, एन का वैल्यू 1 का मतलब 1 यस, यस मतलब स्फेरिकल, और यानी इक्वल टू 6 का मतलब उसके अंदर यस पी डी एफ सभी आ जाएंगे, उसमें स्फेरिकल भी होगा, डबल भी डम्बल भी होगा, डबल डम्बल भी होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आयरन, आयरन मतलब एटॉमिक नंबर 26 है, उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 होंगे, कैलकुलेट करके देख लेना। इफ़ द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, द अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम विल बी इनफाइनाइट। ये कैसे हुआ, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने देख रखा था कहाँ पे, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहाँ पे देख रखा था। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे था ना कि इफ़ द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है। तो देखो बोल रहा है कि अगर अनसर्टेनिटी इन पोजिशन क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो हम क्या करते हैं डेल्टा एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डेल्टा पी इक्वल टू एच अपन 4 पाई डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो अनसर्टेनिटी इन पोजिशन बोल रहा है 0, तो नीचे जब 0 आ जाएगा, या डेल्टा एक्स नीचे आ गया है, नीचे 0 आ जाएगा, तो एच का वैल्यू कुछ तो रहेगा, एच का वैल्यू 6.625 × 10²−24, ऊपर कोई नंबर है, नीचे 0 है, नंबर अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो मोमेंटम के अंदर अनसर्टेनिटी कितना हो जाएगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। कोर इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम इस कितना, 10, कोर मतलब अंदर के इलेक्ट्रॉन, सोडियम क्या है एटॉमिक नंबर 11, उसके अंदर 3 सेल, पहले में 2, दूसरे में कितने होते हैं 8, तीसरे में 1, 2 8 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्लियर है, 2 8 1, ये हो गया। तो देखो आउटर मतलब वैलेंस सेल मतलब क्या, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के बाद जो भी अंदर बच रहा है सभी अंदर के कोर के इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं, ठीक है। तो उसके कोर में 10 इलेक्ट्रॉन है और बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। फॉर यल इक्वल टू 2 द ऑर्बिटल इज डी, यल इक्वल टू 0 के लिए ये 1, यस, यल इक्वल टू 1 के लिए पी, यल इक्वल टू 2 के लिए डी ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द हाईएस्ट वेवलेंथ इज रेडियो वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसमें जिसके अंदर हाईएस्ट वेवलेंथ होता है, किसमें होता है रेडियो वेव के अंदर, ठीक है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाज प्रपोज्ड बाय हाइजेनबर्ग, ठीक है। द एलिमेंट विथ ए नॉन स्फेरिकल आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इज बोरान। देखो लिथियम की बात करोगे तो लिथियम क्या है, ग्रुप 1 से आ जाएगा, लिथियम ग्रुप 1 से आ जाएगा, एटॉमिक नंबर 3 है। और बोरान की बात करोगे तो ये क्या पी ग्रुप में चला जाएगा, पी ब्लॉक में चला जाएगा, और पी ब्लॉक में स्फेरिकल भी होते हैं, डम्बल भी होते हैं, क्योंकि वहाँ पे पी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन भरने लगते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, द एलिमेंट विथ नॉन स्फेरिकल आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इज बोरान, ठीक है। बोहर मॉडल पॉस्टुलेट इज एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर एन एल एम एस इज इनकरेक्ट, ठीक है। इनमें से देखना कि कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब कौन सा गलत है, उसी को क्लिक करना है। तो देखो सभी सीक्वेंस में रहेंगे, पहले एन, फिर एल, फिर एम, फिर एस। एन का वैल्यू 4 है, एल का वैल्यू 3 है, ये पॉसिबल है। एल का वैल्यू 3 के लिए एम का वैल्यू +2, ये भी पॉसिबल है, और -1/2 स्पिन, ये भी पॉसिबल है, मतलब ये तो ठीक है। यहाँ पे देखो एन का वैल्यू 3, सॉरी एन का वैल्यू 3, एल का वैल्यू भी 3, तो ये कभी भी हो नहीं सकता कि एन एल की वैल्यू बराबर हो जाए। तो ये गलत क्या है, सेट है, मतलब यही हमारे पास टिक क्लिक करना, मतलब टिक करने वाला ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन आटम कैन बी एक्सप्लेन बाई हंट्स रूल। हंट्स रूल क्या बोलता है, पहले सबको मैक्सिमम अनपेयर करो, फिर पेयर करना स्टार्ट करो। तो नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल के अंदर भरने हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, 2, फिर पहले क्या करोगे 1s के अंदर 2, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे 1s2, 2s2, 2 2 4 हो गया, फिर 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन भरोगे, 4 3 7 हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाएंगे और सभी पैरेलल पेयर के साथ अलग अलग बॉक्स में भरे जाते हैं, ठीक है। यह कौन बताता है, हंट्स रूल बताता है। फिर क्या, एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 37 इज एन एक्टिव मेटल, एट 37 एक्टिव मतलब क्या, ग्रुप 1 के मेटल, क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल बोल सकते हो, कोई एक ऐसा मेटल जिसका एटॉमिक नंबर 37 है, वो क्या एक एक्टिव मेटल है, ठीक है। आप देख भी लो, ग्रुप 1 के अंदर ही आता है, ठीक है। हाइड्रोजन ग्रुप 1 के अंदर कौन कौन से आते हैं, हाइड्रोजन, और क्या आता है, लिथियम, नहीं लिथियम भी आता है, हाँ लिथियम, सोडियम, और फिर क्या आता है, पोटेशियम भी आता है, ली नाक, रब, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर है 37, ठीक है। फ्रांसियम का है पता नहीं,
देख लेना, लेकिन इतना है कि ग्रुप कौन सा ही रहेगा, ठीक है। फॉर एन एलिमेंट टू इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट हैव सेम ऑल क्वांटम नंबर्स, ये बात सही है। फॉल्स पे भी क्लिक हुआ है, इसको हटाओ यार। किसी भी एलिमेंट के अंदर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का सभी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता, कैन नॉट हैव सेम क्वांटम नंबर, ये बात सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन इनर्ट गैस, इनर्ट गैस मतलब वैलेंस सेल कम्प्लीट होना चाहिए। तो देखो वैलेंस सेल 3s, यहाँ पे 1 है, कम्प्लीट नहीं है। यहाँ पे देखो 4s2 तो है, लेकिन 2, 8, 8 और 2 हो गया, ये भी खाली हो गया, मतलब वैलेंस वाला फुल नहीं रह पाया। 2, 8, 8 हो गया, लेकिन 2 एक्स्ट्रा में मिल गया। यहाँ पे देखो 2, 8, 8 ये वैलेंस है, मतलब अलग 18 इलेक्ट्रॉन है, ये नॉबल गैस का कन्फिग्रेशन है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी प्रिंसिपल एनर्जी लेवल इज गिवन बाई एन स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन हमने एक पहले भी किया था, उसी को थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ प्रिंसिपल सेल इज की आर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² के बराबर हुआ, किसी भी एक प्रिंसिपल सेल मतलब किसी भी ऑर्बिट की बात कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन भी हमने पहले किया था। वेन द अजमुथल क्वांटम नंबर यल इक्वल टू 1, द शेप ऑफ द ऑर्बिटल इज डम्बल, यल इक्वल टू 1 का मतलब पी, पी कैसे होते हैं, डम्बल होते हैं। द मैग्नेटिक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू स्पिन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन के स्पिन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसी के साथ पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। हम बात करेंगे अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर की, ठीक है।